खबर सारण बिहार से, जहां जिला पार्षद का नामांकन मढ़ौरा और मंडल कार्यालय में। अमनौर भाग टू से समाज सेवी सह पूर्व विधानसभा प्रत्याशी संगीता सिंह ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन किया। बताते चलें कि संगीता सिंह सामाजिक संस्था कोशिश और पुकार, अस्मत और अस्तित्व जैसी संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए निरंतर चला रही है और समाज में महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास भी कर रही है। इसी के तहत विधानसभा का चुनाव भी लड़ी थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। पूर्व में भी जिला परिषद का चुनाव लड़ चुकी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें महिलाओं का काफी साथ मिल रहा है। लगातार क्षेत्रों में रहने से उनकी एक अलग पहचान बन गई है। इसी पहचान की बदौलत फिर एक बार जिला परिषद अपनी भाग्य आजमा रही है। इसी को लेकर आज नामांकन किया, जिसके बाद अचानक अंतिम समय में चुनाव लड़ने का निर्णय लेना प्रत्याशियों के बीच में चर्चा का विषय बना रहा। इस दौरान पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। परिषद अमनौर भाग दो से आज आपने नामांकन कराया है, अपने क्षेत्र के लिए क्या प्राथमिकता आपने तय किया है? अपने क्षेत्र के लिए पहले से ही जो मैं यहाँ के लिए शिक्षा मौका मिला तो मैं और भी बेटे को करूँगी। और दूसरा जो हमारी सरकारी योजना है, हर जन जन में हर घर घर में पहुँचा। पिछली बार आपने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, अब जिला परिषद में आ रही हैं, तो क्या जिला परिषद का क्षेत्र छोटा नहीं पड़ेगा? क्योंकि काम करने के लिए कोई छोटा और महिलाओं के लिए क्या नया करें? महिलाओं के लिए हमारी महिलाएं हैं, उनके लिए भी जो शिक्षा प्रशिक्षण है अभी भी मैं दे रही हूँ, सबको अभी भी मैं दे रही हूँ। जब ये शिक्षित होंगी तभी जाके अपने पैरों पर खड़ी होंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता सिंह,